जांच एजेंसियां अपना काम ठीक से ना करें तो अदालतें आरोपियों को बरी कर देती हैं, जांच एजेंसियों को फटकार देती है, कभी कभी मुआवजा देने का भी आदेश पास हो जाता है, लेकिन आरोपी से जांच एजेंसी को माफी मांगने का आदेश कहां ऐसा सुनने में आता है। चर्चित लेखक और मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी के पूर्व इंडिया हेड आकार पटेल के मामले में ऐसा हुआ है। दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पवन कुमार ने सीबीआई को आकार पटेल से माफी मांगने को कह दिया। सीबीआई अड़ गई कि आकार पटेल से माफी तो नहीं मांगी जाएगी, अदालत से दोबारा विचार करने को कहा तो नया आदेश आया कि माफी मांगने वाले आदेश पर रोक रहेगी, लेकिन सीबीआई आकार पटेल के खिलाफ निकला लुकआउट नोटिस वापस लेगी और आकार बिना बताए देश से नहीं जाएंगे। सीबीआई ने फिर केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया। इतना सब होने के बाद केंद्र सरकार ने करीब 2 साल से लंबित आकार पटेल और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत सीबीआई को दे दी। पूरा मामला यह है कि सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था। इसी नोटिस की आड़ में सीबीआई ने 6 अप्रैल की आधी रात अमेरिका जा रहे आकार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोक लिया था। आकार इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। कोर्ट ने पाया कि जिस मामले में आकार के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला उसकी एफआईआर में आकार का तो नाम ही नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि लुकआउट नोटिस वापस हो और सीबीआई चीफ आकार से माफी मांगे। आकार पटेल अब एमनेस्टी के इंडिया हेड नहीं है, लेकिन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ तभी दर्ज हुआ था जब आकार हेड हुआ करते थे। सीबीआई का आरोप है एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने भारत में गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना एफडीआई के तौर पर एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपए दिए। 26 करोड़ भी ऐसे ही एमनेस्टी इंडिया को मिले। बिना इजाजत आई इतनी बड़ी रकम को एमनेस्टी इंडिया ने भारत में एनजीओ के कामों में लगा दिया। इससे विदेशी चंदा विनियमन कानून का उल्लंघन हुआ। आकार पटेल जून 2015 में एमनेस्टी के इंडिया हेड बने थे, लेकिन उससे ज्यादा आकार पटेल की चर्चा होती है उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री या लिखी गई किताबों से, क्योंकि वो मोदी सरकार की नीतियों और बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति के खिलाफ खुलकर लिखते हैं, बोलते हैं। आकार पटेल गुजरात के हैं, पीएम मोदी भी गुजरात के हैं, लेकिन आकार गुजराती अस्मिता के नाम पर मोदी को कोई डिस्काउंट नहीं देते। पिछले साल उन्होंने किताब लिखी प्राइस ऑफ द मोदी इयर्स। ये किताब बताती है कि कैसे मोदी के समय देश का नुकसान ही नुकसान हुआ। आकार पटेल मोदी के कार्यकाल में हुए गुजरात दंगों पर राइट्स एंड रॉन्ग्स रिपोर्ट के सहलेखक भी हैं। आर हिंदू राष्ट्र नाम की किताब में आकार ने लिखा, भारत आज व्यवहार में एक हिंदू राज्य है, धर्म निरपेक्षता का शरण भारत के स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद ये प्रक्रिया तेज हो गई। आकार पटेल गुजरात के सूरत के एक ऐसे परिवार में जन्मे जो कपड़ों के कारोबार में था। नौकरी की तलाश उन्हें मुंबई ले आई। अंग्रेजी अखबार एशियन एज के ट्रेनिंग जर्नलिस्ट बने। साल भर में एशियन एज मुंबई के संपादक बन गए। आकार दिव्य भास्कर, डेक्कन क्रॉनिकल, मिडडे अखबारों के भी संपादक रहे। आकार ने अपने विचार बताने में कभी संकोच नहीं किया। गुजराती होकर भी गुजरातियों के लिख चुके हैं। मुंबई शहर में रौनक तो है, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों का अभाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई में गुजरात के लोगों का वर्चस्व है जो कि बुद्धिजीवी नहीं होते हैं। दक्षिण भारत के शाकाहारी ब्राह्मण दमनकारी नहीं होते हैं, जबकि असहिष्णु और संकीर्ण मानसिकता वाले गुजराती और मारवाड़ी लोगों ने अपने पड़ोस में सभी तरह के मांस पर पाबंदी लगा दी है। उत्तर भारतीयों के बारे में भी आकार के विचार कुछ अच्छे नहीं है। दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते हैं। उत्तर भारत के लोगों को संगीत की समझ नहीं है। दक्षिण भारत के लोग ज्यादा सहनशील होते हैं। ऐसे विचारों के कारण अक्सर आकार पटेल को विरोधियों के आक्रमण झेलने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनका बड़ा सम्मान है। वो अक्सर पाकिस्तानी मीडिया को मोदी और भारतीय राजनीति पर ज्ञान देते हैं और पाकिस्तान में वाहवाही पाते हैं। ये संभव है कि आकार पटेल और एमनेस्टी पर हो रही कार्रवाई को बदले की कार्रवाई का रंग दे दिया जाए, लेकिन एमनेस्टी इंडिया विदेशी चंदे के गोलमाल को लेकर अरसे से सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों के रडार पर है।
जिस गैर कानूनी विदेशी चंदे के केस की जांच तेज होने वाली है उसकी चार्जशीट 2 साल से सीबीआई लेकर बैठी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।